शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी को 5 साल हो गए हैं। अब उनके 2 बच्चे मीशा और जैन कपूर भी हैं। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हाल ही में इस कपल ने वोग मैगजीन के लिए एक फोटोशूट करवाया है। साथ ही दोनों ने अपनी पहली मुलाकात, शादी और बच्चों तक के बारे में कई राज खोले हैं। वोग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शाहिद ने बताया कि जब वो पहली बार मिले तो उन्होंने 7 घंटे तक बात की। शाहिद कहते हैं, मीरा से पहली बार मिलते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि 2 बड़े सोफों पर हम बैठे हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, क्या हम 15 मिनट भी साथ रह पाएंगे। शाहिद और मीरा की शादी 2014 में हुई थी। इस पर मीरा ने कहा, मुझे फिल्मों के बारे में ज्यादा नहीं पता था और ये बात अच्छी भी थी। पहली मुलाकात में हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला, हमने एक दूसरे को जाना, हमने ये नहीं सोचा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शाहिद ने बताया कि फिल्म उड़ता पंजाब में उनका ड्रग एडिक्ट वाला रोल देखने के बाद मीरा का रिएक्शन कैसा था। शाहिद ने कहा, हम सोफे पर बैठे थे और इंटरवल के करीब मीरा मुझसे 5 कदम दूर जाकर बैठ गई। फिर उसने मुझे देखा और कहा, तुम ये नहीं हो, है ना, क्या तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है, मुझे अभी भी बता दो, अभी भी जा सकती हूँ मैं। मीरा ने शादी के बाद की जिंदगी के बारे में भी बात की। मीरा कहती है, दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ा बदलाव था। यहाँ आकर मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला, यहाँ तक कि कपड़े भी बदले। शादी से पहले मैंने कभी रिप जीन्स नहीं पहनी थी, शादी के बाद मैंने 2 रिप जीन्स खरीदी। शाहिद मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं। वैसे आपको शाहिद और मीरा की ये लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।